सीजन में हम 40 से 50 लाख रुपए के माइनस की तरफ जा रहे थे, क्योंकि और सारी चीजें तैयार थी, भट्टे पे सब तरह की लेबर आ गई थी, फायरमैन थे, सब कुछ था। अगर नहीं था तो ये कच्ची ईंटें। स्टार्टिंग आपको बताऊंगा 3000 से लेकर के 18000 पर घंटा, 3000 से लेकर के 18000 पर घंटा की मशीनें हमारे पास अवेलेबल। अगर मैं इसमें लेबर की बात करूं तो इसके अंदर मैक्सिमम 2 से 3 लेबर की जरूरत होती है, बस 3 आदमी। तो ये है कि हमें 3 साल मशीन को हो गए, ये हमारा 3रा सीजन है मशीन के साथ, 4-5 साल से जी। और 3 साल पहले हमारे साथ एक ऐसी घटना घटित हुई कि हमने काफी एडवांस पैसा लेबर को दिया और उस लेबर में से करीब करीब 40 घर हमने करे और उन 40 घरों में से केवल हमारे पास 4 घर काम करने के लिए आए, बाकी लोग काम करने की बात नहीं करी। एक अली इंटरप्राइज थी जिन्होंने हमें कहा भाई हम 20 दिन में मशीन देते हैं जी, जी। हमारी इनसे बातचीत होगी और इन्होंने हमें 20 दिन के बजाय 15 दिन में मशीन तैयार करके दी। सभी भाइयों को मेरा नमस्कार, आप देख रहे हैं यस फार्मिंग सोच किसान की यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। और मेरे भाइयों आज हम आए हैं अली इंटरप्राइजेज खतौली जिला मुजफ्फरनगर, और पहले भी हमने इन भाई की वीडियो डाल ली थी, पिछले साल में वीडियो डाल ली थी भाइयों, और इस बार फिर हम एक बार फिर आए हैं। भैया जी से, भैया जी ने देखो कितना अच्छा प्रोग्राम रखा, एक बार सभी को अपना नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को और आपके व्यूज़रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हसन अली, डायरेक्टर एली एंटरप्राइजेस से। पहले भी भैया ने हमें सेवा का मौका दिया था और आज मैं फिर भैया का बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे सेवा का मौका दिया और आपके सामने मुझे 2 बात रखने का मौका मिला जी। भैया जी एक बार आप ये सब शुरुआत जो हम करते हैं जरा मैन्युफैक्चरिंग की बात कर देता है, बनाने की मशीन की आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, इसके जो पूरा रिव्यू के बारे में हम बताएं, ये कितने समय में कितनी ईंटों का निर्माण करती है और इसकी क्या क्या और बारे में जानकारी। देखिए साहब ये जो निर्माण करती है, मैं स्टार्टिंग आपको बताऊंगा 3000 से लेकर के 18000 पर घंटा, 3000 से लेकर के 18000 पर घंटा की मशीनें हमारे पास अवेलेबल है। और वो डिपेंड ये करता है कि 3000 किसको लेना है पर घंटे वाली, 6000 किसको लेना है। देखिए सभी जैसे भट्टे मालिक होते हैं तो कुछ छोटे पूंजी वाले भट्टे मालिक होते हैं, कुछ बड़ी पूंजी वाले होते हैं, किसी को 20 से 25 हज़ार पर एक पूरा दिन में चाहिए होती है जी, जी। किसी को 1 से 1.5 लाख, 2 लाख तक के भट्टे मालिक हमारे पास हैं। हरियाणा में आप चले जाओ बड़े बड़े भट्टे मालिक जितने भी मिलेंगे जी। तो उसी तरह की मशीनों का मैन्युफैक्चरिंग होती है, जैसी डिमांड होती है, जैसी डिमांड होती है मैक्सिमम 18000 पर घंटे तक की हमारे पास मशीनें अवेलेबल हैं। अच्छा जी इसके बारे में एक ये बताओ आप, इधर कितने आदमी इसे हैंडल करते हैं और ट्रैक्टर इस पर कितने एचपी का चलता है? देखो साहब अगर मैं इसमें लेबर की बात करूं तो इसके अंदर मैक्सिमम 2 से 3 लेबर की जरूरत होती है, बस 3 आदमी मैक्सिमम बता रहा हूँ, नहीं तो 2 लेबर से भी आप अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हो। अच्छा जो ट्रैक्टर की बात करते हैं, और अगर मैं ट्रैक्टर की एचपी रिक्वायरमेंट की बात करूँ तो इसके अंदर आपका 45 से लेकर 60 एचपी की रिक्वायरमेंट होती है ट्रैक्टर की। और ये 45 से 60 एचपी क्या है जी? 45 से 60 एचपी ये है जी जितना बड़ा आपका केबिन होगा, जैसे बहुत से भट्टे मालिक कहते हैं जी हमें 1000 से 1500 तक का केबिन चाहिए जी। और बहुत से कहते हैं जी हमें 3000 तक का चाहिए, तो जितना केबिन बड़ा होगा ट्रैक्टर की एचपी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, तो मिनिमम 45 मैक्सिमम 60 एचपी। अच्छा ये जो डाई है आपके पास कितनी कितनी डाई में अवेलेबल है आपके पास? ये हम इधर देख रहे हैं इधर 2 की खड़ी है। देखो अगर मैं डाई की बात करूं तो जैसे अभी आपके सामने डबल डाई की मशीन है और ट्रिपल डाई की मशीन है जी, इसी तरीके से सबसे ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट अभी मार्केट के अंदर है तो वो ट्रिपल डाई मशीन तक की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है। और एक घंटे में अगर इसकी प्रोडक्शन की बात करूँ तो मैं 9 से 10 हज़ार की प्रोडक्शन देती है, और लेबर की बात करूँ तो 2 से 3 बंदों की ज़रूरत होती है मैक्सिमम, और एचपी की बात करूँ तो 40 से 50 एचपी तक का ट्रैक्टर, सॉरी 60 एचपी तक का ट्रैक्टर इसको ऑपरेट कर सकता है। मार्केट के अंदर अगर मैं बात करूं तो काफ़ी पुरानी हमारी कंपनी है, जो हमारे पिताजी हैं पिताजी के टाइम से हमारी कंपनी काम कर रही है, लेकिन हमने भी इन मशीनों का निजात किया। इन मशीनों के निजात में हम पिछले 5 से 6 साल से मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं और पिछले 3 सीजन तक काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स, काफ़ी अच्छा सहयोग हमें देखने के लिए मिला है। जैसे कि अभी आपने जो भट्टे मालिक है जिन्होंने मशीनें खरीदी हैं जी, उनके भी रिव्यू हमने आपको दिलवाए हैं, किस तरह का उनको रिव्यू मिला है जी, तो वो सब चीज़ें हैं। हाँ मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा जितने भी हमारे भट्टे मालिक हैं कि किसी भी तरीके की सोच को अपने माइंड के अंदर हावी नहीं होने देना। जो आप लोगों की सोच है कि यार मशीन के लेने के बाद क्या होगा, तो उसको क्या को ख़त्म करने के लिए अली एंटरप्राइजेस बनी है।
क्या को खत्म करने के लिए हम लोग आए हैं और क्या कब खत्म होगा, हम खाली मशीन देने का कार्य नहीं करते। मशीन देने से पहले और देने के बाद तक, जब तक कस्टमर हमारा जो बच्चे मालिक है, हम ये ना देख लें कि वो ट्रेंड हो चुके हैं, तब तक हम संतुष्ट ना हो तब तक हम अपने अंडर में मशीन चलाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक लोहे को उसका आकार बना करके खाली दे दिया कि अब भाई तुम जानो कैसे चला रहे हो, क्या चला रहे हो, ऐसा नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी खास बात, मशीन लेने से पहले हम जो आपसे रिक्वायरमेंट रखेंगे जी, तो वो आपको ऑन फील्ड दिखाया जाएगा कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। अगर आप वो फुलफिल कर सकते हो तो ही आपको मशीन मिलेगी, अन्यथा आपको मशीन नहीं मिलेगी, अगले सीजन में आप मशीन ले सकते हो। क्योंकि सबसे ज़्यादा मशीन को फेल होने का कारण क्या है कि देखो मेरे भाई, जब भी किसी भी बिजनेसमैन के अंदर ये आ जाएगा ना कि खाली हमें पैसा लेना है और पैसा लेने के बाद बस उसको रख लेना है, तो वो चीज़ें वो कामयाब नहीं होती। बिल्कुल जी बिल्कुल। सबसे पहली मेन चीज़ होती है रिजल्ट, और दूसरी चीज़ है कस्टमर के दिल से भय को ख़त्म करना। बिल्कुल जी बिल्कुल। मेरे भाइयों, भट्टा मालिकों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे बड़ी बात क्या है कि कस्टमर की पूरी संतुष्ट और उसके बारे में पूरी जानकारी, ये नहीं कि हमने बना दी और बेच दी, उस चीज़ का सिस्टम नहीं है। किसी का है कि पूर्णतः संतुष्ट हो और वो मार्केट में लंबे टाइम के लिए टिकने के लिए। भैया जी का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है जी भैया। अच्छा, अब एक बात आप और बताओ, जैसा कि आपने इसके बारे में जानकारी दी, तो आपने इसकी डाई के बारे में बताया, तो इसमें तीन, इधर तीन की भी, तो आपको कितनी बड़ी और मशीन है, कितने डाई की भी? आठ डाई तक की हम लोग मशीन बनाते हैं। आठ डाई की भी? आठ डाई तक की मशीन बनाते हैं, और अगले सीजन में आपको मार्केट के अंदर लॉन्च भी हो जाएगी। और मशीन लेने से पहले जो हमारी खुद की मशीनें मार्केट के अंदर चल रही हैं, उनका रिजल्ट बहुत बढ़िया तरीके से हमारे पास अवेलेबल है, तो वो रिजल्ट भी आप चेक कर सकते हैं। ऑलरेडी मैं आपके चैनल के माध्यम से आने वाले दो महीने में, आज से हम शुरू करते हैं, आने वाले दो महीने में जितनी भी व्यूज होंगे मैं आपको दूंगा, आप अपने चैनल पे उसको अपलोड करें। ये मेरा आपसे विनती है कि वो सारी चीज़ें आप दिखाएं, और रिक्वेस्ट है भट्टा मालिकों से भी कि इस भय को दूर करें, क्योंकि अगर आज हमने अपने भय को दूर नहीं किया ना मेरे भाई, तो आने वाला वक्त हमारे लिए जटिल हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा जी, एक बार अवेलेबिलिटी की बात करूँ, तो जैसा किसी को लेनी है तो बात करने के बाद आपको कितने दिन में आप अवेलेबल करा दोगे? अगर अवेलेबिलिटी की हम बात करें तो देखिए साहब, अवेलेबिलिटी की बात यह है, जैसे कि अब सीजन है, ऊपर वाले का आशीर्वाद से और सभी के सहयोग से अच्छा खासा रिजल्ट हमारे पास है, और तो ये डिपेंड करता है ऑर्डर की बुकिंग। आप मिनिमम फिर भी मान लीजिए 10 से 15 दिन में 20 दिन में रहते हो मशीन हमें अवेलेबल करा दें। अच्छा जी, और सप्लाई की बात होता है पूरी इंडिया के अंदर? ऑल ओवर इंडिया। सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूँ, ऑल ओवर इंडिया का रिजल्ट अली एंटरप्राइजेस के पास है। अगर आप जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का रिजल्ट मैं दो महीने में आप ही के चैनल के माध्यम से, उन्हीं लोगों की जुबान से जी, मैं आपके चैनल पे अपलोड कराऊंगा। ऑल ओवर इंडिया का रिजल्ट हमारे पास अवेलेबल है। भाइयों, एक बार फिर से मौका देंगे हम ये चीज़ भी दिखाने का। और इस, अच्छा भैया जी, आप इसके साथ साथ और भी कुछ नए प्रोडक्ट? बहुत सारे ये, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे यंत्र हम लोग बनाते हैं, जैसे कि अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो जल धन योजना का कार्य इंडिया के अंदर काम कर रहा है, उसमें हम लोग ट्रंच विधि द्वारा जो ट्रंच जो होती है उसमें पाइपलाइन बिछाते हैं, तो उसको ट्रंचर बोलते हैं। ट्रंचर ऑलरेडी मैं आपको वीडियो दूंगा, और पहले दिया भी था जी, ट्रंचर का भी डल रहा था। ट्रंचर हम लोग बनाते हैं, पोल इरेक्शन मशीन हमारे पास होती है, क्रेन्स हम लोगों का मेन मोटिव है, लेकिन अभी फिलहाल के तौर पर तो सबसे जो मेन कॉन्सेप्ट है हमारा वो यही है। बाकी जो ऑलरेडी जो फैक्ट्रीज वगैरह चल रही हैं वो उसके अंदर ट्रेंच है और पोस्ट होल्डिंगर है, वो भी अवेलेबल हो जाएंगे भाइयों, वो सब कुछ अवेलेबल। और भाइयों, भट्टा मालिक से भी हम आपकी बातचीत कराऊंगे, उसके बाद ही मेरी वो दिखाएंगे और इंटो की क्वालिटी की बात करेंगे और मशीन भी दिखाएंगे। वीडियो में बात तक बने रहें, और आइए आपको भट्टा मालिक से भी बात कराऊँ। तो मेरे भाइयों, जैसा आप देख पा रहे हो, देखो अब हम भट्टा मालिक के पास आ चुके हैं, और भैया जी से आपका परिचय भी कराऊंगे और उनसे पूरा रिव्यू लेंगे ईंट के बारे में और मशीन के बारे में भी जानकारी लेंगे पूरी। नमस्कार भैया जी। नमस्कार जी संदीप जी, और आपके जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं यश चैनल के, सभी को मेरा सादर प्रणाम। बहुत बढ़िया जी। तो भैया जी, आप एक बार अपनी इसके मशीन के बारे में रिव्यू दें कि आप जैसा कितने समय से इसे यूज कर रहे और आपको इसके क्षमता के बारे में बताएं थोड़ा, और इसके कार्य प्रणाली के बारे में बताएं थोड़ा। देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि
हमें 3 साल मशीन को हो गए, ये हमारा तीसरा सीजन है मशीन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं जी। और मशीन लाने की जो सबसे बड़ी वजह थी, सबसे बड़ी वजह ये थी जी। संदीप भाई जी। कि हम भट्टा चला रहे थे पिछले 4-5 साल से जी। और 3 साल पहले हमारे साथ एक ऐसी घटना घटित हुई कि हमने काफी एडवांस पैसा लेबर को दिया और उस लेबर में से करीब करीब 40 घर हमने करे और उन 40 घरों में से केवल हमारे पास 4 घर काम करने के लिए आए, बाकी लोग काम करने के लिए नहीं। जब हमने उनसे काम करने के लिए कहा तो संदीप भाई वो लोग लेबर कोर्ट चले गए और हमारे पे ही उन्होंने उल्टे आरोप लगा दिए कि भाई ये तो हमें बंधक बना रहे हैं और हमारे से जबरन काम कराने का प्रयास कर रहे हैं। जी 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 जी, ये बहुत बड़ी समस्या बन गई आज के टाइम में। हाँ जी, भट्टा मालिकों के साथ बिल्कुल इतनी बड़ी समस्या थी कि उस समय दिमाग काम नहीं कर रहा था भाई करें क्या। फिर अली इंटरप्राइजेस का नाम हमने कहीं से सुना कि भाई अली इंटरप्राइजेस है और वो मशीन बना रहे और वो बहुत अच्छी मशीन बना रहे। जी जी जी, तो जी हम उनके पास गए जी, उनसे बातचीत हुई जी, उन्होंने हमारे से कहा कि भाई हम आपको 20 दिन में मशीन दे देंगे बना जी। तो सीजन का 20 था जी जी। फिर हमने और 2-4 जगह भी बात करी तो किसी ने भी समय से देने की बात नहीं करी। एक अली इंटरप्राइज थी जिन्होंने हमें कहा भाई हम 20 दिन में मशीन देते जी जी। हमारी इनसे बातचीत होगी और इन्होंने हमें 20 दिन के बजाय 15 दिन में मशीन तैयार करके दी जी। हम मशीन ले आए संदीप भाई जी। और उस सीजन में हम 40-50 लाख रुपए के माइनस की तरफ जा रहे थे क्योंकि और सारी चीजें तैयार थी, भट्टे पे 70 की लेबर आ गई थी, फायरमैन थे, सब कुछ था। अगर नहीं था तो ये कच्ची ईंटें जी, ये कच्ची ईंटें हमारे पास बिल्कुल नहीं थी जी। तो हम मशीन लेकर आए जी, जी और हमने मशीन से काम करना शुरू करा और वो सीजन में हमने अपना नुकसान बचा लिया जी। हमने 25 से 28 लाख माल उस सीजन में बना लिया, 28 लाख ईंट बना के हमारी लागतें हमें मिल गई जी। उसके बाद अगला साल शुरू हुआ जी। अच्छा। अगले साल हमने बनाई जी 55 लाख ईंट। अच्छा जी, 55 से 60 लाख के बीच हमने माल बनाया और वो सीजन हमारा बहुत शानदार हुआ जो इससे पिछला सीजन गया। और इस सीजन में आपके सामने काम है, आप देख रहे पसार हमारे सारे भरे हुए। देखो भाइयों, आप देखो पसार सारे भरे हुए। अच्छा, पिछले 3 साल से आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं जी। तो जैसा आप लेबर सभी करा रहे थे काम और इससे भी करा रहे काम, कॉस्ट में कितना अंतर आया होगा? देखो जी, लेबर की जो कॉस्ट है वो करीब करीब 250 से 300 रुपए तो ईंट का जो गारा बना के हम दे रहे हैं पथेरों को वो खर्चा हो गया जी। अच्छा जी, और 600 रुपए का खर्चा पथेरे का हो गया, वो 600 रुपए प्रति हजार आपसे ऐसे ले रहा जी। ठीक है, 900 रुपए तो हो गए ये जी, और 40-50 रुपए वो रेत डालने वाला ले लिया, वो जो पलोथन में रेट लगा जी जी। ठीक है, तो ये करीब करीब 950 रुपए का खर्चा पथेरे से ईंट बनाने का हमारा आ रहा जी। अब इस मशीन का सुनो जी आप जी, इस मशीन में हमारा 300 रुपए प्रति हजार का ईंट बनाने का खर्चा रहा। अच्छा जी जी, सारा जोड़ जाड़ का है, सारा 300 रुपए प्रति हजार का खर्चा। इस पर कितने बंदे काम कर रहे हैं जी? इस पर 3 बंदे जी, एक तो जेसीबी चलाने वाला हो गया। अच्छा, वो जो जेसीबी से इसमें गारा भरेगा, गारा बनाएगा, इसमें डल लगा, और जो दूसरा हो गया जो इसे ट्रैक्टर को चला होगा। अच्छा जी, और एक हो गया मशीन के पीछे, मशीन के पीछे वाला जी। तो भैया जी, जैसा आप 3 बंदे काम कर रहे हैं, ये करे 3 बंदे अगर 8-10 घंटे हम इसे चला रहे तो कितने प्रोडक्शन कर देंगे? संदीप भाई, 12-14 घंटे के आसपास काम हुआ है, कभी 12 घंटे हो जाए, कभी 13 घंटे हो जाए, कभी कभी 14 घंटे भी हो जाए जी जी जी। तो जो औसत है हमारा, औसत हमारा 60-65 हजार ईंटों का आ जा रहा है एक दिन का। एक दिन का ज्यादातर समय क्या हो जी कि शाम के समय ईंट बनावे हम। अच्छा जी, शाम को 3-3 बजे के आसपास मशीन पसारो में आ जा। अच्छा, और ये सुबह तक मशीन को चलावे। अच्छा, रात मतलब रात में चलाते हो? हाँ जी, रात में चलाते हैं। अच्छा जी, ये क्या बात है? ये बात है जी कि ये जो सर्दी है अभी तो चल रहा काम, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब ज्यादा धूप होगा तो इसमें इंटो में थोड़ी सी क्रैक होने की समस्या हो, ज्यादा एकदम से जो सूखती है तो मिट्टी एकदम सूखने की वजह से ईंट क्रैक होने की समस्या आ जाती है, ईंट क्रैक होने की समस्या। रात के समय में नमी रहा है जी, और एक लेबर भी काम नहीं कर पाती धूप धाप में जी जी, गर्मी में। रात के समय हम मशीन चलावे जी, और रात के समय आप ये मान लो 3 बजे ही आवे, सुबह जब हम पसारों में आके देखें तो हमें 60-65 हजार ईंट बिछी हुई मिला है जी सारे पसारों। बहुत बढ़िया, तो आपका तो ये मान के चलो कि आपकी तो सारी टेंशन खत्म है। बिल्कुल टेंशन खत्म है जी, अलग ही तरह का जलवा है अब जा। बड़ी समस्याएं थी, बड़ा दिमाग खराब था, बहुत डिस्टर्ब थे जी। हर अगर कोई भट्टा मालिक मुझे देख रहा तो वो समझ रहा होगा कि जब आपकी लेबर इस तरह आपको छोड़ के भाग जा जी, तो आपकी क्या स्थिति होती है। बहुत बढ़िया, तो जो ये भैया जी हैं, ये हसन अली, तो इनके बारे में क्या और इनके इंडस्ट्रीज के बारे में क्या रिव्यू देना चाहेंगे और भट्टा मालिकों को कोई संदेश देना चाहोगे इसके बारे में थोड़ा बताओ। भाई देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि भट्टा मालिकों को लिए तो एक बात यह है कि भाई आप कम से कम इसे एक बार देखो, चलती हुई मशीन को देखो जी, और चीजों को समझो जी जी जी, और जब भी संभव हो सके जी, इस साल, अगले साल या उससे अगले साल जी, तो भाई मैं तो ये कहूंगा कि आप मशीन ले आओ, ये आपके स्वाभिमान को भी बचाओगी और आपके पैसे को भी बचाओगी और आपके पैसे को बढ़ाओगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और बात अगर अली इंटरप्राइजेस की करें जी, तो इस अली इंटरप्राइजेस के जो ओनर हैं ये हसन अली जी, इन्हें प्यार से लोग मोनू भी कहते हैं, मोनू, ठीक है जी, जी। तो ये अच्छे इंसान है जी, काफी बढ़िया आदमी है जी, और सबसे बड़ी बात तो इनकी ये है कि ये क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान दे, पैसे के पीछे भागने वाला आदमी इतना है नहीं जी जी जी। तो मशीन जब ये दे रहे तो जो व्यवहार इनका तब है
जी, तो मशीन के बाद उससे बेहतर ही मिला है, मतलब खड़े मिला है हमेशा। जी जी, ये कस्टमर को पूरा सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि पैसा बनाया अपना ऐसे ही चल दिए या हमारी तो बिक जाए, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ देखो, आदमी सब पैसे के लिए काम करे, भाई हम भी पैसे के लिए काम कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं, लेकिन बात ये है कि खाली इनका फोकस पैसे पैसे पे नहीं, वो नहीं है, मतलब बाद की भी सर्विस इनकी बढ़िया है। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो भैया जी एक बार ईंट की क्वालिटी और चेक करा दो, देखो ईंट की क्वालिटी, देखो मेरे भाई आपके सामने क्वालिटी चेक कराऊंगा। देखो ये देखो कितनी शानदार ईंट निकाल रही मशीन, ये देखो भाई चारों कोने वगैरह बिल्कुल बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। और भैया जी, इन ईंटों की एक विशेषता और है जी, जी ये जब आप इन्हें फायर करोगे जी, जब आप इन्हें पकाओगे तो 100 रुपए की लागत वहां भी कम आओगी। अच्छा जी, ये क्या बात है जी? अगर आपकी 1200 रुपए की लागत आ रही है तो इनकी 1100 रुपए की लागत आओगी। उसकी वजह ये है कि इनकी इनका घनत्व बहुत ज्यादा है क्योंकि प्रेशर से भरी जा रही है, तो बीच में ज्यादा एयर नहीं बचती। अच्छा जी, तो ये थोड़े से कम ईंधन में पक जा, और इसमें साउंड बहुत बढ़िया है, मेटालिक साउंड आवे, टन टन बोल रहा है जी घंटी की तरह, बहुत बढ़िया। तो मेरे भाइयों देखो, एक बार मशीन भी हम चलाऊंगे और मशीन भी इसके बारे में भी आपको दिखाऊंगे कि मशीन काम कैसे करती है उसके बारे में भी, और वीडियो में बात तक बने रहे भाइयों। देखो ये ट्रिपल डाई की मशीन है, देखो 3 लाइन है इसमें ईंट छोड़ने वाली, इसे ट्रिपल डाई बोलते हैं। और देखो ये कितने अच्छे शानदार कार्य कर रही है, बहुत ही अच्छे तरीके से ईंट निकाल रही। और भाइयों इन भाई के पास में 8 डाई तक की मशीन है, और आपको ये जानकारी ज़रूर अच्छी लगी होगी, और भट्टा मालिकों के लिए एक खास वीडियो थी और भी किसान भाइयों के लिए कि हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर इंडिया में भी कितनी अच्छी तकनीक ईजाद है। तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।